لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين. إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. صلوات محمد وعلى آله. عزیزان محترم، میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، وہ نہج البلاغہ سے مولا متقیان کی حکمت نمبر 392، جس میں ارشاد ہو رہا ہے: تکلمو تعرفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. عزیزان محترم، دیکھیے، انسان کا ایک شخصی تعارف ہوتا ہے. یوں تو شخصی تعارف میں معمولاً نام، باپ کا نام، ماں کا نام، تاریخ پیدائش اور ایڈریس، یہ ہوتا ہے شخصی تعارف میں. لیکن ایک تعارف ہوتا ہے شخصیت کا تعارف، دونوں الگ الگ چیز ہے. ایک ہے شخصی تعارف، ایک ہے شخصیت کا تعارف. اس لیے آپ دیکھیے، سماج کو شخص نہیں بناتا ہے بلکہ شخصیت بناتی ہے. آج دنیا نے جتنی بھی ترقی کر لی، ان ساری ترقیوں کے باوجود وہ انسان کا شخصی تعارف کروا سکا ہے. آئیڈینٹی کارڈ آپ دیکھ لیجئے، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی، جتنے بھی آپ لے لیجئے، یہ سب کچھ شخصی تعارف کرواتے ہیں. آپ کا نام، باپ کا نام، ماں کا نام، ایڈریس، تاریخ پیدائش. لیکن اتنی ترقیوں کے باوجود کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو شخصیت کا تعارف کروا سکے. لیکن یاد رکھیے، میں نے پہلے ہی کہا، شخص سماج کو نہیں بناتا ہے، شخصیت سماج کو بناتی ہے. اسی لیے اب آپ کو دیکھنا ہوگا، تاریخ میں جب کسی شخصیت کو سمجھنا ہوگا تو اب دیکھنا ہوگا ان کا کردار کیا رہا ہے، ان کی گفتار کیا رہی ہے،
उनकी रफ्तार क्या रही है। लिहाजा तारीख ने हमें नमूनों की शक्ल में कुछ चीज़ें पेश की, कुछ शख्सियतों को पेश किया कि उन्होंने अपनी शख्सियत को अपने शख्सी तारुफ में इस तरह से घोल दिया कि जब भी उनका नाम आता है उनकी शख्सियत जहन में आ जाती है। अब दो प्रूफ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, दो प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि एक शख्स का भी तारुफ करवाए, एक शख्सियत का भी तारुफ करवाए। नहीं, वो हस्तियां ऐसी हैं कि जो अपने नाम से चलती हैं, उनका नाम आ जाता है लोगों के जहन में, सारा का सारा माजरा उनके जहनों में तस्वीर की शक्ल में आ जाता है। अजीजाने मोहतरम, उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरा मौजू जनाब ज़ैनब कुबरा है, इनकी क्या शख्सियत है, इस बारे में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, इन्होंने ऐसा घोल दिया कि अब जब भी नाम आता है जनाब ज़ैनब का, तो अब दो तरीके से तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है कि इनका नाम ये है, इनके बाप का नाम ये है, इनकी माँ का नाम ये है, दूसरी तरफ चलिए इनका किरदार तारीख में ये रहा है। अब दो तरीके से तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अब जैसे ही नाम आ जाएगा इंसान के जहन में, जहाँ ये आएगा कि इनके बाप का नाम ये है, इनकी माँ का नाम ये है, फौरन उसके जहन में एक तारीख करबला बन जाएगी कि ज़ैनब उसको कहते हैं जो मुहाफिज़े करबला है, ज़ैनब उसे कहते हैं जो मुबल्लिग़े करबला है, ज़ैनब उसे कहते हैं जिसने हुसैन के बाद दीन को घर घर तक पहुंचाया। सलावात बर मुहम्मद व आल मुहम्मद। देखिए, ये मजलिसों हैं जिसपे हमें आने के बाद शऊर मिलता है, सलीका मिलता है। वरना आप देख लीजिए, इतना मजलिसों को रोकने की कोशिश की गई लेकिन ये मजलिस रुक सकती ही नहीं, इसलिए कि जनाब ज़ैनब ने उस जालिम के सीने पर चढ़ के इस मजलिस को बर्पा किया है। मजलिस कभी नहीं रुक सकती, बहुत रोकने की कोशिश की जाती है। आप देखिए, बहुत सी चीज़ें रुकावट बनती है इंसान की मजलिस में आने से, बहुत सी चीज़ें, वक्त रुकावट बनता है, इंसान बिजी है नहीं आ सकता। दूसरी चीज़, तासुब रुकावट बनता है कि हम मजलिस में ना जाएं। अकीदे की खराबी रुकावट बनती है कि मजलिस में ना जाएं। खून की नजासत रुकावट बनती है मजलिस में ना जाएं। लेकिन जिस तरह से मजलिस में रोकने वाली चीज़ें हैं, तो मजलिस में बुलाने वाली भी शख्सियतें, रसूल खुदा आपको मजलिस में बुला रहे हैं, अली मुर्तज़ा आपको मजलिस में बुला रहे हैं, फातिमा की दुआ आपको मजलिस में बुला रही है, खून की पाकिजगी आपको मजलिस में बुला रही है, माँ के दूध का असर आपको मजलिस में बुला रहा है। जिस तरह से रोका जा रहा है, बुलाने वाले अफराद भी मौजूद हैं। अब इसमें कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, इस पर ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस पर ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं कोई ब्लास्ट हो जा रहा है, इस साल भी कुछ ना कुछ हुआ है, कहीं ब्लास्ट हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, उसके बाद भी हमारी तादाद कम नहीं हो रही है। यही इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होते जा रहे हैं। अगर हम नाकाम होते तो इन ब्लास्टों के बाद घर में बैठ जाते, बाहर ना निकलते। लिहाजा अजीजाने मोहतरम, मुझे नहीं पता आप कितना सुनने के आदी हैं, बहरहाल पहली मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसे ही देखूंगा थक रहे हैं, वहीं से अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। एक सलवात पढ़ें बर मुहम्मद वाल में। तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी जनाब ज़ैनब पे। देखिए, अगर किसी शख्सियत को पहचानना है तो आप तीन तरीक़ों से पहचान सकते हैं।
कि उसकी शख्सियत क्या है। सबसे पहली चीज मीरास के जरिए, जो बाप दादा नाना नानी के जरिए उसको मीरास मिल रही है, इल्म की मीरास, दूसरी चीजों की मीरास, इसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि इंसान की क्या शख्सियत है। दूसरी चीज तालीम और तरबियत के जरिए, तालीम और तरबियत के जरिए आप पहचान सकते हैं कि इंसान की क्या शख्सियत है। तीसरी चीज मुहीत के जरिए, जिनके दरमियान वो जिंदगी बसर कर रहा है वो लोग कैसे हैं। इन तीन चीजों के जरिए इंसान किसी भी शख्स की शख्सियत को पहचान सकता है। हमारा मौजू जनाब ज़हनब कुबरा है। अब आप हम चलकर देखते हैं, अगर मीरास के जरिए देखें कि जनाब ज़हनब की क्या शख्सियत है, तो आप देखिए बाप के जरिए देखें या नाना के जरिए देखें, दोनों ही जाके मिलते हैं अब्दुल मुत्तलिब पे। मीरास के जरिए आप गौर कीजिए, दोनों ही जाके कहां मिलते हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अबरहा वाला वाकया मशहूर है, बहुत ही सादी सी गुफ्तगू लेकिन बहुत बड़ा पैगाम। अबरहा के लश्कर ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को पकड़ लिया, बहुत ही सादी सी गुफ्तगू। चले ये वो जहन में बनाए रखा है कि ये बड़ी शख्सियत है, मैं भी देखता हूं मुझसे आके सवाल क्या करता है। जैसे ही गए जाके क्या कहा, तुम्हारे लश्कर वालों ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है, मैं उन्हें छुड़वाने आया हूं। लोग समझ रहे थे ये बड़ी शख्सियत है, बड़ी ही छोटी बात आके कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उसके जहन को झिझोड़ रहे थे, तौहीद की दावत देना चाह रहे थे। क्या कहा कि मेरे ऊंटों को पकड़ लिया। उसने कहा कि मेरी नजर में आपकी शख्सियत बहुत बुलंद थी, लेकिन आपने सिर्फ ऊंटों का तस्करा करके अपनी शख्सियत को गिरा दिया। लेकिन एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे होंगे, अब जो मैं काम करूंगा इसके जहन में वो तस्वीर ऐसी छपेगी कि ये कभी भूल नहीं पाएगा, इसलिए कि मेरी आगोश का पला मोहम्मद निकलेगा जो तौहीद की दावत देगा, मेरी आगोश का पला अली निकलेगा जो तौहीद की दावत देगा, मेरी आगोश की पली ज़ैनब कुबरा निकलेगी जो यजीद के दरबार में बैठकर तौहीद की दावत देगी। देखिए वो ये सोच रहा था कि आके बहुत, क्योंकि काबे के वारिस हैं, कहा कि मैंने सोचा था आप काबे के वारिस हैं, आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप काबे के बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपने आके सिर्फ ऊंटों के बारे में गुफ्तगू की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पलट के कहा कि मैंने ऊंटों के बारे में इसलिए कहा क्योंकि वो मेरे ऊंट थे, मैं उनका मालिक था, लिहाजा मैं अपने ऊंटों को छुड़वाने आ गया। काबे का भी कोई वारिस है वो उसे बचा लेगा, काबे का भी कोई वारिस है वो उसे बचा लेगा, मुझे उसको बचाने की जरूरत नहीं है। यही अब्दुल मुत्तलिब है। जनाब ज़ैनब की शख्सियत को हमें समझना है। यही अब्दुल मुत्तलिब कि इनसे कहा जाता है अपने पोते से कह दीजिए तौहीद की दावत न दे, इससे बाज आ जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब चले, उसकी बात जाके रसूल खुदा तक पहुंचाई, इसलिए कि अमीन है, पयाम्बर हैं, अमीन हैं, जैसे कहा वैसे पहुंचा दिया। उधर से रसूल ने भी जो पैगाम दिया वो भी जाके पहुंचा दिया, इसलिए कि बीच में है, इधर की बात इनको उधर करना है, इसे चुगली नहीं कहा जाएगा, इसे चुगली नहीं कहा जाएगा, अमीन है, जैसा वो कह रहा है वैसे ही वहां पे पहुंचाना है। आप अजीजान मोहतरम देखिए, यही रसूल खुदा हैं। जैसे ही जनाब ज़ैनब कुबरा की विलादत होती है और रसूल की आगोश में आते हैं, तवज्जो का तालिब हूं, रसूल की आगोश में आते हैं, आने के बाद रसूल ने क्या कहा कि ये बिल्कुल खदीजा की तरह नजर आती है। देखिए इस घराने में तो हर एक शख्सियत किसी न किसी तरह नजर आ रही है।
अकबर है तो सभी है पैगंबर हैं, अब्बास है तो अली की तरह नजर आ रहे हैं, जैनब है तो कभी खदीजा की तरह नजर आ रही हैं। क्या कहा कि बिल्कुल खदीजा की तरह नजर आती है। क्यों कहा? सिर्फ तारीख में ये सब बातें कह के गुजर जाने के लिए नहीं है, इस पे आप अगर गौर कीजिए तो पूरा का पूरा फलसफा पोशीदा है। आप देखिए, किसी अजवाज में से किसी एक ने कहा कि आप क्या ये हमेशा बूढ़ी औरत की तारीफ करते रहते हैं, अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। फौरन रसूल ने पलट के कहा, खबरदार, अगर खदीजा के बारे में तूने इस तरह गुफ्तगू की इसलिए कि खदीजा ने मेरा साथ उस वक्त दिया जब किसी ने साथ नहीं दिया, इस्लाम का साथ उस वक्त दिया जब सब साथ छोड़कर चले गए थे, अब आप सोचिएगा क्यों कहा ज़ैनब-ए-कुबरा के लिए कि ये बिल्कुल खदीजा की तरह है। इसलिए कि जिस तरह खदीजा ने उस वक्त साथ दिया जब इस्लाम का कोई साथ देने वाला नहीं था, जनाब ज़ैनब-ए-कुबरा ने भी हुसैन का साथ उस वक्त दिया जब कोई था। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है जनाब ज़ैनब, बिल्कुल खदीजा की तरह है। और जनाब ज़ैनब को मीरास से समझना है तो पहले आइए उनकी मादरे गिरामी को समझना होगा कि उनके मादरे गिरामी कौन है। जनाबे फातिमा है। सिर्फ ये एक फजाइल का बाब नहीं है बल्कि फजाइल की पूरी किताब है जनाबे फातिमा। खुदा के पास जनाबे फातिमा के 9 नाम हैं जिसमें से लफ्ज फातिमा की सिर्फ तफसीर हुई है, जिसकी अगर तफसीर कायदे से हो जाए न जाने कितनी किताबें इस पे लिखी जाएंगी। ये है फातिमा। और जनाब फातिमा के बारे में मौलाए मुत्तकियान क्या कहते हैं, अब उसके लिए पहले मौलाए मुत्तकियान को समझना जरूरी है कि मौलाए मुत्तकियान कैसी शख्सियत है। मौलाए मुत्तकियान वो हैं जो कहते हैं, इलाही कफा बी इज्जा अन अकून लका अब्दा व कफा बी फखरा अन तकून ली रब्बा अंता कमा उहिब्बु फजअलनी कमा तुहिब्ब, कि मेरे लिए मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा माबूद है। वो अली वो अली हैं जो ये कहते हैं कि ऐ खुदा, मैं तेरी इबादत इस जहन्नम के डर से नहीं करता, जन्नत के शौक में तेरी इबादत नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू इबादत के लायक है। अजीजाने मोहतरम, अब आपने जब समाज फरमाया कि अली इब्ने अबी तालिब कौन है, तो अब चल के देखिए कि मौलाए मुत्तकियान जनाब फातिमा के लिए क्या कहते हैं। इमाम अली ने जनाब फातिमा के लिए फकत एक जुमला कहा, फखरी जौजती फातिमा, मेरे इफ्तिखार के लिए यही काफी है कि मेरी जौजा फातिमा है। ये है अली। यहां से मीरास चल रही है जो जनाब ज़ैनब तक पहुंची है। शख्सियत को अगर जानना है तो आप मीरास से पहले जानिए कि जनाब ज़ैनब को किसकी किसकी मीरास मिली है। आप चल के देखिए, हमारे दूसरे इमाम हैं, मदीने में हैं, अमीर शाम मदीने में आता है। आने के बाद क्या होता है, वही हुक्काम का तरीका, तहाइफ बांटे जा रहे हैं, तोहफे बांटे जा रहे हैं, लोगों को जमा किया जा रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, लोगों को जमा किया जा रहा है। इमाम हसन को भी दावत दी गई है कि वो भी आए, तोहफे तकसीम हो रहे हैं। इमाम हसन को पहुंचने में थोड़ा देर हो गई। अच्छा, अब जैसे ही पहुंचे हैं इमाम, क्या कहता है अमीर शाम, मुझे पता है कि आप क्यों लेट आ रहे हैं, आप चाहते थे कि तोहफे ख़त्म हो जाएं ताकि आप मुझे जलील कर दें, लेकिन मैं भी बड़ा होशियार हूं, मैंने आपके लिए तोहफा पहले ही किनारे कर दिया है।
तवज्जो चाहता हूं। मैंने आपके लिए तोहफा पहले ही किनारे कर दिया है ताकि आप मुझे जलील और रुस्वा ना कर सकें। एक मरतबा हुक्म दिया कि इमाम का तोहफा लाके दिया जाए। तोहफा बड़ा कीमती था, 10,000 दिरहम का तोहफा, बहुत कीमती, यानी आज के जमाने में लाखों रुपए की कीमत होगी उसकी। 10,000 दिरहम का तोहफा लाके दिया जाए इमाम को। इस बात को यहीं रोकिए, जब इमाम वारिद हो रहे थे इमाम की नालायन मुबारक थोड़ा सा टेढ़ी हो गई। अमीर शाम का गुलाम आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद किसका गुलाम है? अमीर शाम का गुलाम है, इमाम हसन का गुलाम नहीं है, अमीर शाम का गुलाम है। आगे बढ़कर इमाम की नालायन को सीधी कर देता है। अब जैसे ही इमाम गए, तोहफे आए, कहा ये इमाम को दे दिया जाए। अब जैसे ही इतना कीमती तोहफा इमाम की तरफ बढ़ा कि ये इमाम को दिया जाए, एक मरतबा इमाम ने कहा ये मुझे न दो, उस गुलाम को दे दो। ये मुझे न दो बल्कि उस गुलाम को दे दो। आपने देखा इमाम ने उस कीमती तोहफे की कीमत यहीं पे बता दिया कि ये मेरी नालायन से ज्यादा कीमती नहीं है। ये मेरी नालायन से कीमती नहीं है। आप गौर करें फिर उसके बाद इमाम ने क्या पलट के कहा। मैं जनाब फातिमा और जनाब जैनब पे हूं, क्या पलट कर उसके बाद इमाम ने कहा कि कभी भी अपना मुकायसा हमसे न करना, कभी भी अपने को हमारे साथ न नापना। क्यों ये कहा? उसके बाद सिर्फ एक जुमला इमाम ने कहा, उम्मी फातिमा, इसलिए कि मेरी माँ का नाम फातिमा है। खुदा की कसम जैसे ही इमाम ने कहा उम्मी फातिमा, अमीर शाम मुतवज्जे हो गया और उसके बाद खामोश बैठ गया, इसलिए कि जानता था कि जब उम्मी फातिमा आया है तो उसकी मां का भी किरदार सामने आ जाएगा। सिर्फ एक लफ्ज कहा उम्मी फातिमा। इसीलिए आप गौर कीजिए तारीखों में, तो आपको तारीखों में मिलेगा हमारे अइम्मा कहीं पर भी जल्दी उन्होंने नाम नहीं लिया है जनाब फातिमा का, या उम्मी फातिमा कहा या जद्दती फातिमा कहा, डायरेक्ट कहीं नाम नहीं लिया है। और इसके भी पीछे फलसफा है ऐजान मोहतरम। और आप देखिए जनाब फातिमा कौन है, कौन है जनाब फातिमा? ये वही हैं कि जब आसमान पर हैं, फरिश्ते आसमान पर हैं, खुदा से सवाल कर रहे हैं, खुदाया ये आखिर कैसा नूर आ रहा है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, ये कैसा नूर है कि हमारी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो एक मर्तबा खुदा ने कहा कि ये मेरी कनीज फातिमा है जो मुसल्ले इबादत पर है, ये उसका नूर है। और यही पर यही सवाल जब जमीन पर किया गया रसूलुल्लाह से कि ये कैसा नूर है जो हमारे घरों में आता है, तो रसूल ने कहा था ये मेरी बेटी फातिमा का नूर है जो छन छन कर तुम्हारे घरों तक पहुँचता है। वो फातिमा है। आप हदीसे के सामने चलकर जरा गौर कीजिए क्या कहा जिब्राइल ने, मुख्तलफुल मलाइका, यहां पर तो मलाइका का आना जाना था, लेकिन वही सवाल कर रहे हैं कि कौन है इस चादर के नीचे, और फरमा रहे हैं जो हमेशा आ जा रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस चादर के नीचे कौन है। क्या जवाब मिला? हम फातिमा। तर्जुमा क्या होगा उर्दू में? सबके सब फातिमा हैं। हम फातिमा, हम फातिमा, ये फातिमा है। वह अबूहा व बालोहा व बनूहा, ये फातिमा के बाबा हैं, ये फातिमा के शौहर हैं, ये फातिमा के बेटे हैं। खुदा की कसम इसके बाद आपको तारीख में कोई जुमला नहीं मिलेगा। जैसे ही ये जुमला सुनना था जिब्राइल ने आगे बढ़कर सवाल नहीं किया, इसलिए कि मैंने पहले ही कहा था कि इनका नाम जब आता है पूरी की पूरी शख्सियत जहन में आ जाती है। इनका नाम जब आता है, जनाब फातिमा का नाम आ गया,
पूरी की पूरी शख्सियत जहन में आ गई। अब उसके बाद जिब्राइल ने सवाल नहीं किया, कौन फातिमा, कहाँ की फातिमा, कोई सवाल नहीं, इसलिए कि शख्सियत पूरी उतर गई जहन। तो हजीजों मीराज जनाब जैनब तक जनाब फातिमा से भी आई। अब सुनिए जनाब फातिमा कौन, जनाब जैनब का एक लकब और भी है जो मैं आखिर में एक जुमला कह के आपकी समातों के हवाले करूंगा। जनाब जैनब का एक लकब और है, चल के पहले देखिए जनाब फातिमा जहरा कौन है। जनाब फातिमा जहरा वो है जिसने अपने वक्त में अपने इमाम की हिफाजत की। तवज्जो चाहता हूं, जिसने अपने दौर में अपने वक्त में अपने इमाम की हिफाजत की। मैंने पहले ही कहा यह मीराज जनाब जैनब तक जनाब फातिमा से भी आई है, लिहाजा वही सीरत नजर आएगी जिस तरह से जनाब फातिमा ने अपने वक्त में अपने इमाम की हिफाजत की, उसी तरह से जैनब कुबरा ने भी अपने वक्त में अपने इमाम की हिफाजत करके बता दिया कि मैं ही सानिए जहरा हूं। एक लकब है सानिय जहरा, मैं ही सानिय जहरा हूं, इसलिए कि मीरास चली आ रही है, मीरास में मिला है। आप जनाब जैनब की शख्सियत को पहचाने तो कि है कैसी शख्सियत जनाब जैनब की। आप देखिए एक मौका वो भी आया कि हमारा चौथा इमाम सवाल कर रहा है, कोई आम इंसान सवाल नहीं कर रहा है बल्कि इमाम सवाल कर रहे हैं, क्या फूफी अम्मा आप क्या चाहती हैं। और फरमा रहे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप गौर फरमा रहे हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुदा के मजहर हैं जमीन पे, खुदा के मजहर हैं जमीन पे, वो पूछ रहा है। यानी खुदा का मजहर अगर जमीन पे कोई सवाल करता है इसका मतलब ये है कि ये खुदा ही सवाल कर रहा है। अब खुदा अपने बंदे से पूछ रहा है ऐ ज़ैनब बता तेरी क्या मर्जी है। और फरमाए कैसी शख्सियत है जनाब ज़ैनब की कि एक इमाम पूछ रहा है कि अब आप क्या चाहती हैं, अब आप बताइए। तो ये हमने समझा मीरास के जरिए जनाब जैनब को। आइए दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं। दूसरा मरहला तालीम व तरबियत का है कि हम तालीम व तरबियत से समझ सकते हैं एक इंसान की शख्सियत क्या है। तालीम व तरबियत में जब आते हैं तो चौथे इमाम का बस एक जुमला यहां पे काफी होगा तालीम व तरबियत के लिए। जब जनाब जैनब कूफे के दरबार में खुतबा दे रही थी तो इमाम सज्जाद ने आखिर में फकत एक जुमला कहा था जनाब जैनब को रोकने के लिए, क्या कहा था, अंते आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, क्या आप ऐसी आलिमा है कि जिसको कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है। आप सोचिए ये कौन कह रहा है, ये इस्मत की जबान से सादिर हो रहा है, कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, अलैकुम सलाम, कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, इस्मत की जबान से सादिर हो रहा है कि आप ऐसी आलिमा है कि जिसको किसी ने कभी तालीम नहीं दी। आप गौर कीजिए फिर क्या तरबियत होगी इल्म के लिहाज से जनाब जैनब कुबरा की। यही जनाब जैनब है कि बाप की आगोश में है, एक मरतबा इमाम ने कहा बेटा कहो एक, कहा एक, कहा कहो दो, कहा बाबा उस जबान से जिस जबान से मैंने एक का इकरार किया दो कैसे कह सकती हूं। और फरमा रहे क्या शख्सियत है जनाब जैनब की, जिससे एक का इकरार किया है उससे मैं दो कैसे कह दूं, इसलिए कि ये उसकी बेटी है जिसने एक के सिलसिले में ये कहा, खुदा के सिलसिले में ये कहा कि अगर एक खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक और बस एक, लेकिन हमारे लिए अगर इस्तेमाल हो, मसलन मैं कहूं मेरे पास एक अमामा है तो यह किल्लत पर दलालत करता है, एक है दो नहीं है, तीन नहीं है, दस नहीं है,
मेरे पास एक मोबाइल है, यह किल्लत पर दलालत करेगा कि मेरे पास बस एक ही मोबाइल है, दस मोबाइल नहीं है, यह किल्लत है। लेकिन खुदा के लिए एक यानी किल्लत नहीं, एक और बस एक, बस वो अकेला। यही जनाब ज़ैनब है। आप देखिए 5 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का, खुतबा फदकिया की एक रावी जनाब ज़ैनब है। क्या सिन था उस वक्त? फकत 5 बरस की थी जनाब ज़ैनब, 5 बरस की जनाब ज़ैनब है। इस उम्र में इन्होंने सुना भी, हिफ्ज भी किया, उसको महफूज किया, बाद में उसको नश्र भी किया। किसने नश्र किया? जनाब ज़ैनब कुबरा ने नश्र किया। सोचिए 5 बरस के सिन में ये क्या कैसा कारनामा अंजाम दे दिया। इब्ने अब्बास जो रावी हैं वो भी जनाब ज़ैनब से इसको नकल करते हैं, खुतबा फदकिया को। तो अजीज़ान मोहतरम, ये शख्सियत है जनाब ज़ैनब की। जनाब ज़ैनब कितने बरस की थी जब शहीद हुई? टोटल उम्र इनकी 55 बरस है। 55 बरस में 5 साल तो रसूलुल्लाह के साथ रही, 30 साल अपने बाबा के साथ ज़िंदगी गुजारी, ऐसे तो 35 साल गुजारी, वो 5 माइनस करके बता रहा हूँ, जो 5 रसूल के साथ गुजर चुका उसको माइनस करके बता रहा हूँ। 30 साल अपने बाबा के साथ ज़िंदगी गुजारी, 10 साल अपने भाई हसन के साथ ज़िंदगी गुजारी, 10 साल इमाम हुसैन के साथ ज़िंदगी गुजारी। ये 55 बरस की उम्र जनाब ज़ैनब की शुरू से तरबियत पा रही हैं। आप सोचिए 55 बरस तक जनाब ज़ैनब ने कैसी तरबियत पाई। इसलिए कि अहले बैत में उसूल है कि अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा है तो उसे सुना जाए। ये हमारे लिए भी एक कानून दिया है, हम जवानों के लिए, बच्चों के लिए, कि अगर कोई बड़ा कुछ कहे तो पहले आप उसे सुनिए खामोशी से। ये कानून है, बड़ा कोई कुछ कह रहा है तो जनाब ज़ैनब ने पहले सुना, उसको महफूज किया। और आप देखिए, हम अक्सरियत के कायल नहीं हैं, हम अकलियत के कायल हैं। आप चल के देखिए जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी को, अगर आपको देखना है उनकी ज़िंदगी और तारीख को देखना है, तो 55 साल की ज़िंदगी पे हम नहीं जाते, बल्कि वो 40 दिन देखते हैं जो करबला से करबला तक ख़त्म हुए। ये 40 दिन की तारीख हमें जनाब ज़ैनब की शख्सियत को बताती है कि जनाब ज़ैनब किस शख्सियत का नाम है। ये 40 दिन की तारीख है। आप ज़रा गौर फरमाइए, यही जनाब ज़ैनब है जब कूफे के दरबार में जा रही है, इतना शोर शराबा है, इतनी आवाज़ें हैं कि कोई भी कुछ कह नहीं सकता, अगर कहेगा तो उसकी आवाज़ किसी दूसरे तक नहीं जाएगी, अगर कहेगा इतने कहकहे लग रहे हैं, इतने ढोल बज रहे हैं कि किसी तक उसकी आवाज़ नहीं जाएगी, ऐसे माहौल में है जनाब ज़ैनब। आप देखिए किसकी बेटी है ज़ैनब कुबरा, आप ज़रा चल के देखिएगा कि कैसी मीरास मिली है। शख्सियत को आप पहचानिएगा कि एक मरतबे जैसे ही दरबार में गई, वहाँ पे बड़ा शोर हो रहा है कि जैसे ही जनाब ज़ैनब कुछ बोलना चाह रही हैं, कहकहे लग रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, किसी तक उनकी आवाज़ नहीं जा सकती, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा अनिस को तू खामोश हो जाओ। खुदा की कसम तारीख ने लिखा, जैसे ही जनाब ज़ैनब ने कहा खामोश हो जाओ, लोगों की सांसें रुक गई, घोड़े की गर्दन में जो घंटियां बजी हुई थी वो भी रुक गई। क्यों रुक गई? इसलिए कि ये हुक्म तशरीही नहीं था कि आप जो करना चाहें आपको इख्तियार है, ये हुक्म तकवीनी था। जनाब ज़ैनब ने ये कह के बता दिया कि अब उस वक्त तक तुम नहीं बोल सकते जब तक मैं ना चाहूं। अब तुम उस वक्त तक अब नहीं बोल सकते हो जब तक मैं ना चाहूंगी। अब चलकर देखिए जरा गदीर वाला मंजर, अलस्तु औला। ये जो औला का माना था, ये क्या सिर्फ बेहतर और बरतरी के लिए था? नहीं, यानी वो शख्स, वो मौला आपके सिर्फ और सिर्फ माल पे तसर्रुफ का हक नहीं रखता, आपकी जान पे भी रखता है।
ये जनाबे ज़ैनब ने हमें बताया, ये जनाबे ज़ैनब ने हमें वाज़े किया कि उनकी सांसें भी रुक गई। आप बताइए, आप अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं? आपके अख्तियार में है, थोड़ी देर रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक आप खींचने शुरू कर देंगे। आपके इख्तियार में नहीं है सांस रोकना, लेकिन जिसके इख्तियार में था उसने उनकी सांसों को रोक दिया और कहा उस वक्त तक अब तुम नहीं बोल सकते हो जब तक मैं ना चाहूंगी। अजीजाने मोहतरम, यही ज़ैनब है कि एक अली का वो सहाबी जो वहां दरबार में मौजूद था, वो एक मरतबा कहता है बशीर इब्ने खुज़ैम या खज़ीम असदी, वो ये बात को कहता है कि मैंने अली की तकरीर को भी सुना था, मैंने अली की तकरीर को देखा भी है, सामने से अली को देखा है, उनकी तकरीर को भी सुना है, लेकिन यहां पर जब मैंने ज़ैनब कुबरा की तकरीर को सुना तो मैं ये समझ नहीं पाया कि ये अली बोल रहे हैं या अली की बेटी ज़ैनब बोल रही है। अब देखिए तो कैसे लहजे अली ने लहजे ज़ैनब का पर्दा कर लिया था, या समाअतों पे जनाब ज़ैनब ने तसर्रुफ कर लिया था कि अब कोई उस वक्त तक नहीं बोल सकता जब तक मैं न चाहूं। आप गौर फरमाएं, जनाब ज़ैनब मुबल्लिगे करबला हैं, मुहाफिज़े करबला हैं, मुबल्लिगे करबला हैं। हम बड़े ही एहतियात से कहते हैं कि 1,23,999 अंबिया की नबुवत को इन्होंने पहुंचाया तबलीग की, बिल्कुल यहाँ एहतियात की ज़रूरत नहीं है, 1,24,000 अंबिया जो गुजरे हैं सबके दीन को इन्होंने पहुंचाया। आप गौर करें, एक जुमला कहूं जो रसूल के लिए आया, अगर सही लगे तो ताईद कीजिएगा, क्या आया रसूल के लिए जिसके मिज़दाक रसूल थे? फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु, कि आपने अगर इस काम को अंजाम नहीं दिया, गोया आपने कार रसालत को अंजाम ही नहीं दिया। यही तो जुमला है अजीजान मोहतरम, वो जुमला उस वक्त के लिए था और उसके मिज़दाक उस वक्त रसूल थे, लेकिन जरा करबला के बाद आकर देख लीजिए उसकी मिज़दाक ज़ैनब कुबरा बनेंगी कि ऐ ज़ैनब, अगर तुमने मेरे दीन को हुसैन के बाद घर घर तक न पहुंचाया। घर मेरे दीन को घर घर तक न पहुंचाया तो गोया तुमने अपना काम अंजाम नहीं दिया। आप गौर कीजिए, करबला तक अना मिनल हुसैन की तफसीर सैयदुश्शोहदा हैं, करबला तक अना मिनल हुसैन की तफसीर कि मैं हुसैन से हूँ सैयदुश्शोहदा हैं। यहाँ तक तो आदम ने भी कहा था कि मैं हुसैन से हूँ, नूह ने भी कहा मैं हुसैन से हूँ, इब्राहिम ने भी कहा मैं हुसैन से हूँ, लेकिन बाद शहादत हुसैन अब आदम भी कह रहे हैं मैं ज़ैनब से हूँ, नूह भी कह रहे हैं मैं ज़ैनब से हूँ। तो यहाँ तक तो तफसीर सैयदुश्शोहदा थे, लेकिन उसके बाद जो सैयदुश्शोहदा का ये पैगाम लेकर आगे बढ़ी, दीन को घरों तक पहुंचाया, अब जो तफसीर बनेगी वो ज़ैनब औलिया मुकाम होंगी। यही जनाब ज़ैनब जब दरबार में पहुंचती हैं, बस आपकी ज़हमत को ख़त्म करूंगा, जब दरबार में पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद जब इब्ने ज़ियाद ने सवाल किया कि कैसा मंज़र तुमने पाया जो खुदा ने तुम्हारे भाइयों को जलील और रुस्वा किया, तो कैसा तुम समझती हो, क्या मंजर देखती हो, क्या पलट के कहा? इसका जवाब मुफस्सल तो जाके उन्होंने शाम में दिया,
लेकिन कूफे में बस और बस इतना कहा, क्या कहा था, मा रईतु इल्ला जमीला, कि खूबसूरती के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। आप गौर फरमा रहे हैं, इसलिए कि इसका मुफस्सल जवाब जाकर जनाब ज़ैनब ने शाम में उसके भी बाप को दिया था। मैं ज्यादा गुफ्तगु ना फैलाते हुए बस यही समेटूं, हमारी गुफ्तगु शख्सियत को समझने में मीरास और इल्म तक पहुंची। मुहित को यही छोड़ते हुए इंशाल्लाह कभी और अगर मौका मिला तो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा कि मुहित के जरिए कैसे आप जनाब ज़ैनब की शख्सियत को समझ सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यही जनाब ज़ैनब कुबरा हैं। आप गौर कीजिएगा, हुसैन की प्यास तो आशूर में ख़त्म हो गई, असर आशूर तक हुसैन की प्यास ख़त्म हो गई, लेकिन जनाब ज़ैनब कब तक प्यासी रही, ये हमें नहीं समझ में आता। इसलिए कि आप गौर फरमाएं, जब फूफी अम्मा को बैठ कर नमाज पढ़ते देखा, यही तो सवाल किया था, फूफी अम्मा आखिर बैठ कर नमाज पढ़ने की क्या वजह है। एक मर्तबा क्या जवाब दिया, बेटा खाना और पानी इतना कम आता है कि बच्चे सही से खा नहीं। न जाने आज़ादारों, जनाब ज़ैनब औलिया मकाम कब तक तशना रही, कब तक प्यासी रही। हर बाब अज़ा 11 मुहर्रम का दिन आना था कि एक मर्तबा बेकजावा ऊँटों को लाकर खड़ा कर दिया गया। आज़ादारों, कजावा नहीं था ऊपर, बेकजावा ऊँटों को लाकर खड़ा कर दिया। आज़ादारों, आपकी खिदमत में कैसे जुमला पेश करूं, ऐसे ऊँट थे आज़ादारों, जब उसके ऊपर जनाब सकीना को एक तनहा ऊँट के ऊपर बांध दिया गया था, इसलिए कि कजावा नहीं था। तो अब जब जैसे जैसे ऊँट आगे बढ़ता था, उसकी हड्डियों से जनाब ज़ैनब के जिस्म पे जख्म बनता था, जैसे जैसे जख्म बनता था, एक मर्तबा अपने चचा को पुकारती थी। आज़ादारों, इसीलिए तो इमाम हुसैन ने उस वक्त जब जनाब सकीना चचा अब्बास को इजाजत के लिए लाई थी तो यही जुमला कहा था, बेटा अभी तो तुम इजाजत दिलवा रही हो, अरे जब तमाचे पड़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा बेकजावा ऊँट आ गए, अब शिम्र आगे बढ़ता है, अब शिम्र आगे बढ़ता है, अहले बैत को सवार करना चाहता है कि जनाब ज़ैनब ने कहा, खबरदार अगर तूने हाथ लगाया तो मैं एक एक बीवी को सवार करूँगी। अब जनाब ज़ैनब ने एक एक को सवार करना शुरू किया। आज़ादारों, जब सबको सवार कर लिया और ज़ैनब तन्हा रह गई, एक मर्तबा फरात के जानिब रुक किया, कहे भैया अब्बास, अरे जब मदीने से चली थी बड़ी शान से सवार किया, अरे अब मैं यहां तन्हा रह गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हार बाबे अज़ा, अब जब सब सवार हो गए, अब उनको उस तरफ से गुजारा गया जहां शोहदा के लाशें पड़े हुए थे। आज़ादारों, जैसे जैसे अपने शोहदा के लाशों को ख़वातीन ने देखा, अरे अली अकबर की माँ ने देखा, तो खुद को अली अकबर के लाशें पर गिरा दिया और कैसा मंजर देखा, अरे कलेजा बाहर। और बाबेजा, अब रबाब ने जो मंजर देखा, रबाब ने खुद को अली असगर की लाश पर गिरा दिया। आज़ादारों, उम्मे फरवा ने देखा, अरे कासिम के पामाल शुदा लाशें पर गिराया। आज़ादारों, आज़ादारों, अब जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ा, एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने भाई के लाशें को देखा, फौरन नीचे गिरी, घुटनियां चलते हुए भाई के लाशें पर
पहुंची। आजादारों आप तसव्वुर कीजिएगा आखिर कैसे ज़ैनब ने बोसा लिया होगा, इसलिए कि ऊपर इतने तीर हैं, इमाम हुसैन के लाशे पर न जाने कितने तीर थे। अरे जिस्म में कोई जगह न रह गई थी कि जहां पे तीर न रहा हो। एक मर्तबा घुटनियों चलकर जो पहुंची, एक मर्तबा आजादारों उस गर्दन का बोसा लिया जिसे शिमर ने कुंद खंजर से का। और बाबे आजा अब जनाबे ज़ैनब ने कहा कि बीबियों सवार हो जाओ। रबाब ने कहा मैं जाके क्या करूंगी, अरे मेरा असगर। आजादारों अरे रबाब ने वो मंजर तो देखे थे ना कि एक मर्तबा जब हुसैन ने अपने शिशमाहे को दफन तो कर दिया, क्यों दफन किया, ताकि बेहुरमती ना हो, लेकिन वही हुआ। एक मर्तबा लोग नैजा लेकर आगे बढ़े, नैजे को जमीन में डाला, एक मर्तबा जैसे ही नैजा जमीन में गया नैजे के साथ अली असगर का लाशा आया। ये मंजर रबाब ने देख लिया, यही तो वजह थी जब मदीने पहुंची कभी भी साए में नहीं बैठी। अरे वो मां कैसे साए में बैठ जाए जो अपने बच्चे को दो दो बार कत्ल होता। और बाबे आजा एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बीबियों सवार हो जाओ, कहा मुझे यही अपने बाप सरताज की कब्र पर छोड़ दो, मैं यहीं पे मुजावरी करूंगी। लेकिन आजादारों किसी तरह से जनाब ज़ैनब ने सबको सवार किया। बस आखिरी जुमला और आपकी जहमत को ख़त्म करूंगा। किसी तरह से जनाब ज़ैनब ने सवार तो कर लिया। अब जब ये काफिला चला कूफे के दरवाजे पर पहुँचा, कूफे के दरवाजे से एक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आजादारों एक मर्तबा जैसे ही सर को देखा तो वो कोई और नहीं था, अरे मुस्लिम इब्ने अकील थे। अरे मुस्लिम इब्ने अकील की जौजा ने जैसे ही देखा एक सवाल कर दिया, अरे मुस्लिम अरे जो दो अमानत मैं लेके आई थी, अरे उसे तो मैंने हुसैन पर कुर्बान कर दिया, मुझे बस इतना बता दे जो दो अमानत तुम लेकर गए थे, अरे मेरे लाल कहाँ है। ألا لعنة الله على الكون الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لذنب قضاء